हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। आज मैं फिर आपके सामने आई हूँ एक नई वीडियो के साथ। अभी मेरी बेटी की फ्रेंड आई है बहुत लंबे समय के बाद, तो वो एक फरमाइश कर रही है मुझसे लच्छा पराठे की। तो मैं अब लच्छा पराठा बनाऊंगी और जो है ये भी बताऊंगी वो किसके साथ ज्यादा अच्छा लगता है। लच्छा पराठे में जो मैं ये कसूरी मेथी डालूंगी, इसकी अलग ही खुशबू आएगी और खाने में बहुत टेस्टी रहेगा। पराठा है बहुत तरह से बनाते हैं, तो मैं मेन इसमें कसूरी मेथी डालती हूँ, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और अब मैंने ये आटा ले लिया, थोड़ा ज्यादा ही आटा लेना होता है ताकि लच्छा पराठा हमेशा जिसकी ज्यादा परत होती है तभी अच्छा बनता है, तो इसको थोड़ा लंबा बेलना पड़ता है। अब इसको बड़ा और पतला बेलूंगी। काफी पतला बेल लिया है, अब मैं इस पे थोड़ा सबसे पहले कसूरी मेथी के लेयर लगाऊंगी। मैं आटे में नमक थोड़ा कम ही रखती हूँ, इसलिए क्योंकि थोड़ा नमक ऊपर से भी डालती हूँ, नमक और मिर्च ऊपर से डालती हूँ, फिर इसको घी से अच्छे से इसको स्प्रेड कर देती हूँ। ये मैंने थोड़ा मिर्च डाली लाल, और ये मैंने थोड़ा नमक डाला। कई लोग अजवाइन वगैरह भी डालते हैं, लेकिन मेरे को अजवाइन बहुत पसंद नहीं है इसलिए मैं डालती नहीं हूँ। उसकी फ्रेंड को भी पसंद नहीं है, वो ही मना करती है आंटी अजवाइन मत डालना। इस बस घी का रोल थोड़ा ज्यादा है, अगर आप घी कम लगाओगे तो परत नहीं बन पाएंगी। अब इसको आप फैला दो अच्छे से हाथ से, मिर्च आपको जैसा आपको लगे, थोड़ा बहुत आप ज्यादा कम भी कर सकते हो। देखिए थोड़ी कसूरी मेथी और डालूंगी, मुझे कम लग रही है। अब मैं इसको हल्का सा मिर्च भी डालूंगी थोड़ी सी। अब मैं इसकी लेयर बनाती हूँ। गैस की फ्लेम थोड़ी कम कर देती हूँ तब तक, और इसको जो है इस तरह से फोल्ड कर करके बहुत मजेदार बनेगा। ये जो है अब इसको इस तरह से फोल्ड कर लीजिए, तो जो है इसकी बहुत सारी परतें बनेंगी, बहुत अच्छा और टेस्टी लगता है। मैदे का भी बनता है, लेकिन मैदा थोड़ा नुकसान देती है ना, इसलिए मैं मैदे का कभी नहीं बनाती हूँ, हमेशा मैं आटे का ही बनाती हूँ। अब इसको आप हल्के हल्के हाथ से प्रेस करके इसको पराठे के रूप में बना लीजिए। बस इस तरह से इस जो मेथी दिखती है ऊपर से, वो ही बहुत खूबसूरत लगती है पराठे में। अभी हो गया, इसमें बहुत सारी परतें बन जाएंगी अभी। अब इसको अच्छे से घी से सेकना है, मतलब कम घी नहीं लगाना है इसमें, थोड़ा अच्छा ही घी लगाना है ताकि थोड़ा क्रिस्पी हो जाए। अगर पराठा क्रिस्पी नहीं हुआ तो मजा नहीं आएगा खाने में। तो इसको अच्छे से आप दोनों साइडों से अच्छे से घी लगाइए, देसी घी में बना रही हूँ और खुशबू आ जाएगी पराठे में। ये देखिए अभी से इसमें मेथी की खुशबू आ रही है और खाने में तो और ही आनंद आ जाएगा। बहुत ही धीमी आंच पर सेकना है इसको। अभी मैंने फ्लेम को लो किया हुआ है, अब मैंने घी लगा दिया, मैं इसको थोड़ा फ्लेम इसकी हाई कर दूंगी। ये भी मैंने किसी से सीखा था, लेकिन ये सीक्रेट है, इसको बताऊंगी नहीं किससे सीखा मैंने। थोड़ा बनाती रहती हूँ घर में, अच्छा लगता है सबको। मेरा सीख चुका है, अच्छा काफी अच्छा करारा हो गया है। अब इसको मैं प्लेट में रख के इसको दही के साथ सर्व करके इसकी फ्रेंड को खाने के लिए देती हूँ। दही को मैं अभी इसको एक उससे ना जीरे से थोड़ा छौंका भी लगाऊंगी और बहुत टेस्टी लगेगा इसको। अब इसको मैं छौंकती हूँ थोड़ा। ये हल्का सा मैंने सरसों का तेल डाला हुआ है और इसको अच्छे से हो जाएगा, तो जीरा और हींग से इसका छौंका लगाऊंगी, बहुत टेस्टी हो जाएगा ये। मैं थोड़ा जीरा डाल रही हूँ, थोड़ा जीरे को गुलाबी होने तक इसमें मैं थोड़ा सा हींग का तड़का लगाऊंगी। हींग का तड़का लगाते हैं इसमें खुशबू आने लगती है, बहुत अच्छी। इस तरह से मेरे बेटे को बहुत पसंद है,
हमेशा मंगाता है, जब भी घर आता है पराठे के साथ खाता है वो उसे। अब इसे नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च और हल्का सा नमक, बस। अब लच्छा पराठे के साथ आप दही का आनंद लीजिए। ये मेथी का टेस्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लच्छा पराठा सही कहूँ तो मैंने कभी नहीं खाया, क्योंकि जो रेस्टोरेंट जो शादी में खाया है वो हमेशा मैदे का होता है, तो खा के एक गिल्ट वाली फीलिंग आती है जो कि मुझे यहाँ पे नहीं आ रही है। ये आटे का बना है, आटे और आंटी तो थोड़ा और हेल्दी मल्टी हेल्दी ग्रेन यूज करती है, तो चने और गेहूँ का बना हुआ ये लच्छा पराठा बहुत ही हेल्दी है। और जो मेथी का जो टेस्ट आ रहा है ना इसमें, मतलब वो उभर उभर के आ रहा है, और दही के साथ परफेक्ट कॉम्बो। वेल डन आंटी। आज जो मैंने लच्छा पराठा बनाया है उसको आप लोग घर में जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अधिकतर मैदे का बनाते हैं, इसका कोई बनाता नहीं है। तो मैंने इसमें मेरे जो आटा है उसमें चने का आटा भी मिला हुआ है, इसलिए आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा। और इस समय मेथी का सीजन नहीं होता, तो कसूरी मेथी जरूर डालिएगा। अगर आप उसको डाल के बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेगा। तो आप अगर पसंद आता है तो आप कॉमेंट में लिखिएगा, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।